1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की शानदार विजय के उपलक्ष्य में और युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में विजय दिवस के अवसर पर बरनाला रोड में शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अनिश यादव, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल दीप डागर और अन्य पूर्व सैनिकों द्वारा शहीदों को सलामी दी गई। उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिस की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर व सलामी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, 16 दिसंबर को 1971 जो वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान के साथ में, तो हमारे काफ़ी ब्रेव सोल्जर्स थे, तो उनको आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और मैं सभी युवा भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी लगन और मेहनत से काम करें और किसी भी फील्ड में हो वहाँ पे एक्सेल करने की कोशिश करें, और ताकि इवेंचुअली हमारे जो देश का नाम है वो ऊँचा हो रहे। मैं 1971 में बांग्लादेश से 2 दिसंबर और 16 दिसंबर तक वहाँ लड़ाई के अंदर रात भी दे किया, हमने छोड़ेंगे कोई महत्व नहीं रखा। 16 दिसंबर को हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर करवाए थे, जिसके अंदर हमारे जाट रेजिमेंट का बहुत ही अहम वहाँ भूमिका रही है। और आज जो 16 दिसंबर मना रहे हैं हम, वर्ल्ड के अंदर हमारी सेना का बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है और विश्व के अंदर हमारा नाम हुआ है। आज स्वर्ण विजय दिवस है, ये हमारे पूरे भारतवासियों के लिए एक गौरवशाली दिन है। ये दिन आज संभव हो सका है, 50 साल पहले हमारे वीर सैनिकों ने, सशस्त्र सेनाओं के सभी सैनिकों ने और महान सेनानायक का फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में एक दूसरे देश को जन्म दिया और एक बहुत ही इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास रच दिया हमारी सेनाओं ने। और मैं अभी देशवासियों से ये आह्वान करता हूँ कि ये हमारे वीर सैनिकों को और सशस्त्र बलों को के संकल्प को बढ़ावा देते रहें।